नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सचर है या नोड है वो है मस्कग्रेव नोड। तो उसके लिए हम लेंगे शिफ्ट ए मेश, और मेश में लेंगे हम प्लेन, इस तरह शिफ्ट ए मेश और यूवी स्फीयर जी एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और राइट क्लिक शेड स्मूथ। तो ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, मस्कग्रेव नोड देखना है। स्फीयर पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, मटेरियल का नाम लिखेंगे मस्कग्रेव, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, शेडर शेडर में हमने क्या करना है, प्रिंसिपल बीएसडीएफ कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे शिफ्ट ए, और हम आएंगे यहां पर टेक्सचर में। टेक्सचर में आने के बाद हमारे पास यहां पर क्या है, मस्कग्रेव टेक्सचर। तो मस्कग्रेव टेक्सचर भी हमारे पास आ गया। हम यहां पर प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, हमारे पास मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट भी यहां पर आ जाएंगे। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे कन्वर्टर, कन्वर्टर में आने के बाद कलर रैम्प, यहाँ पर रेंडर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास मस्कग्रेव टेक्सचर कुछ इस तरह दिखता है। इस तरह जो हमारे पास प्लेन है इस पर भी हम क्या करेंगे, मस्कग्रेव टेक्सचर जो हमारे पास है वो अप्लाई करेंगे। मस्कग्रेव हमारे पास बेसिकली करता क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3D ऑप्शन पहले से सेलेक्ट हुआ हुआ, अगर हम 1D पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कलर शो होगा यहाँ पर, अगर 2D पर क्लिक करें तो हमारे पास दो कलर यहाँ पर आएंगे, और अगर यहाँ पर 3D पर क्लिक करें तो हमारे पास 3D कलर, इसी तरह हमारे पास 4D, 4 डायमेंशन, लेकिन 3D हमारे पास डिफ़ॉल्ट है। अब अगर हम देखें स्केल, यह हमारे पास दूसरा ऑप्शन है FBM, ये वाला, अगर हम मल्टी फ्रैक्टल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो ब्लैक एरिया जो हमारे पास थी वो उसको हमने क्या कर दिया, लाइट कर दिया ब्लैक एरिया हमारे पास जो भी। अगर रिज्ड मल्टी फ्रैक्टल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ब्लैक एरिया जो है वो लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम हाइब्रिड मल्टी फ्रैक्टल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास शार्प हो जाएगा ब्लैक एरिया, और वाइट एरिया जो हमारे पास है वो ब्लर हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन। अगर हम और आखिर में हमारे पास वही FBM है। अब अगर स्केल हम बढ़ाएं 8 तक, हमारे पास टेक्सचर कुछ इस तरह बनेगा। डिटेल भी हम क्या करें, इंक्रीज करें 8 तक, हमारे पास डिटेल एड हो जाएगी, और डायमेंशन लेकुनेरिटी हमारे पास दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर लेकुनेरिटी हम 1 पर रखेंगे और डायमेंशन हम क्या करें, जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर लेकुनेरिटी हम 2 पर रखेंगे फिर डायमेंशन हमारा, अगर हम डायमेंशन चेंज करेंगे तो वहाँ पर टेक्स्चर में भी हमारे पास चेंजेस आएगी। इस तरह लेकुनेरिटी को अब हमने रखना है 1 पर। अब यहाँ पर अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज करें तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। मस्कग्रेव टेक्सचर से, मस्कग्रेव हमारे पास जो टेक्सचर है इसके जरिए हम बहुत से डिफरेंट टेक्सचर बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर टेंट बनाएं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश और क्यूब,
जी प्रेस करेंगे और वाई यहाँ पर रखेंगे, एडिट मोड में यहाँ पर जाएंगे और प्रेस करेंगे एस, ये वाले फेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फेस, ये फेस सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे एस। एस प्रेस करेंगे और एक्स, एक्स एक्सिस पर हमने इसे छोटा कर तकरीबन इतना। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करना है और प्रेस करेंगे टू और फिर क्लिक करेंगे। अब हमने क्या करना है, एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए एक्स एक्सिस पर, और हमने क्या करना है, लूप को यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे सॉलिड मोड। अब हमने क्या करना है, ये फेस हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और प्रेस करेंगे एक्स और डिलीट फेस। तो ये हमारे पास बन गया एक बेसिक सा टेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ लूप्स ऐड करने हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक लूप ऐड करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक लूप ऐड करेंगे, इस तरह नीचे भी हमने एक लूप ऐड करना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे नीचे, अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ, ये हमारे पास किस तरह स्मूथ हो गए। और हम क्या कर सकते हैं, सब डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और वन, ये हमारे पास सब डिवीजन भी अप्लाई हो गए। इसी तरह अगर हम मस्क ग्रेफ टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ से नीचे आएंगे हम और मस्क ग्रेफ जो हमारे पास टेक्सचर था, यहाँ से रेंडर व्यू ऑन करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अगर हम कलर चेंज करना चाहें, कलर रैम पर हम आएंगे, यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कुछ ग्रीन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह, और वाइट सेलेक्ट करेंगे, और वाइट में भी हम क्या कर सकते हैं कुछ इस तरह ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और इस तरह कुछ हम डार्क कर सकते हैं। और इन दोनों को हम डिलीट करें तो ये हमारे पास क्या है, टेंट। एस प्रेस करेंगे और वाई इस तरह कुछ इंक्रीज करेंगे, जी जेड प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं और इसे भी थोड़ा सा हम डार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्सचर बन गए मस्क ग्रेव से।